तो आपके दिन की शुरुआत शुभ हो और आपका दिन मुस्कुराते हुए बीते। आपके सामने वो खबरें इसीलिए हम लेकर आते हैं जो कि पॉजिटिव होती हैं और आपको तरोताजा रखती हैं। ऐसी खबरों के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं और आपके सामने जो तमाम खबरें होंगी, चलिए दिखाते हैं आपको। आज हम आपको लिए चलेंगे काशी, जहां पर रोजगार का महाकुंभ चल रहा है। नामी गिरामी कंपनियां यहां पर पहुंची हुई हैं और युवाओं के इंटरव्यू ले जा रहे हैं और उन्हें नौकरी का ऑफर दिया जा रहा है। कैसे ये मेला पूर्वांचल के युवाओं की उम्मीद पूरी कर रहा है, ये आपको आगे बताएंगे। इसके बाद बात करेंगे केंद्र सरकार की उस सौगात की जिसके जरिए नागरिकों के जीवन को आसान बनाने की पहल की जा रही है। आज लॉन्च होने वाला जन समर्थ पोर्टल क्यों खास है और इसके जरिए कैसे लोगों को आगे सुविधाएं मिलेंगी, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए रेखा, शुभ समाचारों में तमाम खबरों के अलावा उस संस्कार की मैं बात करने जा रहे हैं जिसमें पानी और जिंदगानी का गहरा रिश्ता दिखाई देता है। दिखाएंगे कैसे दौसा में बादलों के आने से पहले ही बावड़ियों की जो स्वच्छता है उसका काम चल रहा है जन अभियान के तहत, और पानी को संजोने का ये संस्कार यहाँ के लोगों के लिए क्यों बहुत खास है, इसकी भी हम बात करने जा रहे हैं। आपको शिमला भी लिए चलेंगे जहाँ इन दिनों सैलानियों की बहार आई हुई है, सैलानियों से गुलजार नजर आ रहा है शिमला। ऐसे में यहाँ पर्यटकों को स्वागत और समर फेस्टिवल से उनका किया जा रहा है। शिमला का ये अनूठा रंग भी आपको आज हम दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको मिलवाते हैं काशी में रहने वाली नूर फातिमा से। वो नमाज भी पढ़ती हैं और शिव की साधना भी करती हैं। नूर फातिमा की कहानी अद्भुत है। जीवन साथी का साथ छूटने के बाद नूर फातिमा ने शिव का सहारा लिया और नूर फातिमा गुजरात से काशी आ गई, जहां खुद के लिए ठिकाना और शिव की आराधना के लिए मंदिर का निर्माण उन्होंने करवाया और आज उनका जीवन शिव को समर्पित है। वो खुदा की इबादत के साथ ही शिव की साधना भी करती हैं। आप भी देखिए भारत के सर्वधर्म संभाव की यह अनूठी कहानी। शिव की सेवा, शिव की साधना, शिव का श्रृंगार, शिव का जलाभिषेक, शिव की स्तुति, शिव की वंदना, शिव को प्रणाम। जो सत्य है, जो सुंदर है, वही शिव है जिससे जुड़ी मान्यताओं का ना कोई आदि है ना अंत। काशी काबा एक है राम रहीम, पांचों वक्त के पक्की नमाजी नूर फातिमा भगवान भोलेनाथ की भी भक्त है। बकौल नूर, भक्ति की भी ये राह उन्हें खुद महादेव ने दिखाई है। इस कहानी की शुरुआत होती है भुज के भूकंप से, जिसने सिर्फ जमीन ही नहीं हिलाई, फातिमा को भी हिला दिया। फातिमा ने सुना था कि भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर बसी काशी अविनाशी है, तो फैसला किया घर यहीं बनाना है। बना भी लिया, लेकिन जिंदगी ने सबसे बड़ा इम्तिहान लिया। पति का साथ छूट गया, पति की मौत से अवसाद ने घेरा, तो उन्हें किसी ने सलाह दी शिव भक्ति की। टूट चुकी फातिमा ने सब कुछ भुलाकर शिव भक्ति शुरू की। देखिए एक संयोगी था, क्योंकि भगवान ने मुझे यहाँ जमीन मकान बनाने के लिए जगह दिलवाई, उनके ही वजह से हम यहाँ आए और मंदिर बना। हमने सपने में मंदिर ऊंचे ऊंचे देखे। उसके बाद हमारे हस्बैंड की डेथ हो गई, एक्सीडेंटल डेथ हो गई, फिर हमने मंदिर बनाना शुरू किया। और जब शुरू किया तो हमारे अंदर फिर जीने की इच्छा पैदा हुई और मैंने 3 महीने में इस मंदिर को बना के और उद्घाटन कराया। फातिमा अपने पति की मौत का गम भुलाना चाहती थी। शिव भक्ति की राह पर चलते हुए उन्हें सपने आने लगे जिसमें उन्हें शिव मंदिर दिखाई देने लगे। फिर क्या था, उन्होंने अपने सपने को अपना बना लिया, फैसला किया शिव मंदिर बनाने का। उसके बाद तो लोग भी उनका साथ देने के लिए आ गया है। 5001 रुपए से इस मंदिर को बनवाना शुरू किया और देखते ही देखते महज 3 महीने में मंदिर को भव्य रूप दिया गया। हमको लगता था किसी ने जकड़ लिया है अपने बंधन में, और जब मंदिर मैंने पूरा बना लिया तब हम आजाद हुए उस जकड़न से। और फिर हम भावना, हमारे साथ ऐसा ऐसा होने लगा, इस तरह मेरे काम पूरे होने लगे कि मैं भावना से जुड़ गई भगवान से। कि हम ये सोचते थे कि हम तो मुसलमान हैं, भगवान हमारे इतने गरीब कैसे हैं, तो भगवान जात बिरादरी नहीं देखता, भक्ति देखता है और प्रेम देखता है। मंदिर के लिए फातिमा ने सब कुछ किया, मूर्ति खरीदी, खुद जजमान बनकर पूजा कराई। फातिमा ने महादेव को अपनी जिंदगी में इस तरह शामिल कर लिया है कि अब वो अपनी बेटियों के जन्मदिन पर भी रुद्राभिषेक कराती है।
फातिमा की ये भक्ति अब उनके रिश्तेदारों को बेचैन नहीं करती और शायद उन्हें भी न करे जो बात बात पर मजहबी फसाद के मौके तलाशते हैं। फातिमा ऐसे लोगों के लिए सबक की तरह ही है जिन्होंने अपनी आस्था अपने भरोसे के लिए किसी धर्म को कमतर नहीं समझा, दोनों का बराबर सम्मान किया। महादेव इस संसार के स्वामी हैं, काशी के राजा हैं। काशी का हर वासी खुद को महादेव के निकट महसूस करता है। उन्हीं में से एक है नूर फातिमा, जो एक बार महादेव के करीब आई तो फिर दूर नहीं जा पाई। अब नूर फातिमा का हर काम महादेव की कृपा से ही होता है। नूर फातिमा की ये छोटी सी कहानी एक बड़ा संदेश देती है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ गुड न्यूज टुडे के लिए वाराणसी से शिल्पी से। और इसी क्रम में अब बात कर लेते हैं शिव भक्तों के लिए आए शुभ समाचार की। देखिए, कैलाश मानसरोवर यात्रा भले ही लोगों की इस बार ना हो पाई हो, लेकिन शिव भक्त आदि कैलाश की यात्रा बढ़ चढ़ कर रहे हैं। हालांकि इस यात्रा का सौभाग्य भी लोगों को 2 साल बाद मिला है और 40 तीर्थ यात्री अपनी गाड़ियों से आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा पूरी कर लौट आए हैं। ये पहला मौका है जब गाड़ियों से कोई यहाँ के दर्शन पॉइंट तक पहुँच सका हो। इसके पहले देखिए, ये यात्रा जो है पिथौरागढ़ और धारचूला में कैलाश व्यू पॉइंट पर वहाँ पर पहुँचकर खत्म हो जाती थी, लेकिन यहाँ से 100 किलोमीटर पैदल चलकर आदि कैलाश और ओम पर्वत तक जाना होता था। पहले बहुत दुर्गम परिस्थितियों में दर्शनार्थी जो हैं दर्शन करते थे। बीते 2 सालों में बीआरओ ने भारत चीन बॉर्डर से सटे गुंजी जौली दकांग रोड बना दी है, जिसकी मदद से अब लोगों को उनकी मुश्किलें वो कम हो गई हैं और आसानी से गाड़ी के माध्यम से वो वहां तक पहुंच सकते। और चलिए बात कर लेते हैं काशी में चल रहे रोजगार उत्सव की। कोविड की वजह से जो हजारों युवा अपनी कर्म भूमि छोड़ने पर मजबूर हुए, उन्हें अब अपनी जन्मभूमि पर रोजगार का सौभाग्य मिल रहा है और ये संभव हुआ है वाराणसी में लगने वाले जॉब फेयर से, जहां पर एक छत के नीचे 55 कंपनियां युवाओं को नौकरियां दे रही हैं। कैसे यहां पर युवाओं के सपने हो रहे हैं सच, चलिए आपको दिखाते हैं। कतार में मौजूद ये युवा अपने सपनों के करीब या कहें कि उसका चौखट पर खड़े हैं। दरअसल 2 दिन पहले लखनऊ में आयोजित हुए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में जो सपना प्रधानमंत्री ने देखा था वो सपना साकार होने वाला है। इसमें पीएम ने अपील की थी निवेशकों से। पीएम नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि पूर्वांचल में रोजगार के ऐसे अवसर होने चाहिए जहां युवाओं को उनके घर के आसपास नौकरी मिले। काशी विद्यापीठ में जो ये जॉब फेयर चल रहा है, इसमें यूं तो देखा जाए तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं, लेकिन उसकी जो एक खासियत है वो ये है कि बनारस की जो लोकल कंपनीज हैं, यानी जो एम्प्लॉयर्स हैं अलग अलग सेक्टर्स के, वो भी इसमें शामिल हैं और वो हायर कर रहे हैं उन युवाओं को जिनको नौकरी की जरूरत है अलग अलग फील्ड में। बेरोजगारी को लेकर विपक्ष के निशाने पर रही यूपी सरकार अपनी दूसरी पारी के शुरुआत से ही इसे लेकर एक्टिव है। तभी तो मिशन रोजगार के तहत हर जिले में जॉब फेयर लगाए जा रहे हैं, जहां से 26,000 युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भी काशी में सबसे बड़ा मेला लगा है। वाराणसी में लगने वाला जॉब फेयर सबसे बड़ा है। इसमें एक साथ 55 कंपनियां शामिल हो रही हैं जो स्थानीय स्तर पर युवाओं को नौकरी देंगी। काशी विद्यापीठ मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया है। इसमें बड़ी तादाद में पूर्वांचल से आए छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इंटरव्यू में शामिल होकर स्टूडेंट्स भी काफी खुश नजर आए। मैम, बनारस में ही जॉब चाहती थी, ये तो ठीक है क्योंकि बनारस की ही हूँ तो, और गर्ल्स हूँ तो बाहर जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है हम लोग के लिए। तो अगर सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं, बहुत बॉयज के लिए भी बाहर जाना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो अगर अपने ही शहर में अगर जॉब मिल रहा है तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। यहाँ अगर जॉब मिलेगा तो अपनी कंट्री में, मतलब यहाँ पे रहेंगे सिटी में तो हमारे लिए अच्छा होगा, और फिर अपने यहाँ घर पे भी रहेंगे देख लेंगे तो यहाँ पे तो सही। और हमारे टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा टैलेंट होगा वैसा रहता है ना। इस जॉब फेयर में पूर्वांचल के 11 जिले के युवा पहुंचे। खास बात यह है कि इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु जैसे शहरों में कोविड के चलते अपनी जॉब छोड़ने को मजबूर हो गए थे और उन शहरों की तरफ फिर किसी वजह से जा नहीं सके।
इस मेगा जॉब फेयर में सिर्फ बड़ी कंपनियां ही नहीं बल्कि वाराणसी और पूर्वांचल की कंपनियां भी पहुंची हैं, जो युवाओं को काशी और आसपास के क्षेत्रों में नौकरी दे रही हैं। यहाँ एक्चुअली 55 नेशनल इंटरनेशनल कंपनीज यहाँ पे लगभग 2000 छात्रों को जो है रोजगार देने जा रही हैं। और जैसा कि पीएम का कंसेप्ट है कि जो छात्र हैं अगर उनको उन्हीं के शहर के आसपास जॉब मिलता है तो उसी क्षेत्र में काशी विद्यापीठ प्रयास कर रहा है और विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी जी का यही प्रयास है। यहाँ 5000 से ज्यादा युवा शामिल हुए हैं जिसमें ज्यादा नौकरियां मौके पर ही इंटरव्यू या टेस्ट के जरिए दी जा रही हैं। खास बात यह है कि अब तक जॉब फेयर में 2000 से ज्यादा नौकरियां दी गई हैं, जिससे छात्र छात्राएं काफी खुश हैं, वहीं आयोजक भी खासे उत्साहित। एक आदत अच्छी नौकरी की तलाश में घर छोड़ देना पूर्वांचल के युवाओं की नियति रही है, लेकिन वाकई अगर बड़ी कंपनियां उन्हें नौकरी इन्हीं इलाकों में मुहैया करा देंगी तो पलायन या प्रवासी जैसे शब्दों की जरूरत खत्म हो जाएगी। दूसरा, वो किसी सियासी सबक के लिए मुहरा भी नहीं बनेंगे। कोविड के संकट काल के बाद कई युवाओं की नौकरी गई थी जो मुंबई दिल्ली जैसी जगह पर काम करते थे, उसके बाद वो पूर्वांचल अपने अपने शहरों में लौटे। अब जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था लोकल जो कंपनीज हैं उनसे कि यहां पर वो रोजगार के अवसर दें पूर्वांचल के युवाओं के लिए, तो ये जॉब फेयर एक ऐसा जॉब फेयर है जिसमें मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ लोकल जो कंपनीज हैं बनारस की वो भी शामिल हैं अलग अलग सेक्टर्स की, और यहां के युवाओं को अवसर दे रही हैं। उसी के लिए इस जॉब फेयर में जो आयोजन है वो किया गया है इसका, और यहां पर युवा आ रहे हैं अलग अलग जिलों से और इंटरव्यू के जरिए उन कंपनीज के साथ एक संपर्क बढ़ा रहे हैं जहां उनको नौकरी में रोजगार नौकरी के अवसर मिल सकते हैं या उनको रोजगार मिल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, गुड न्यूज टुडे, वाराणसी। तो बहुत बढ़िया, पहले ये एक रोजगार के तमाम अवसर इसके जरिए खुल रहे हैं। और अब उस खबर की बात कर लेते हैं जिसका सरोकार सीधे तौर पर आपसे है। अगर आप पढ़ाई, खेती, रोजी रोटी या फिर बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आपको अब बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार की तरफ से जन समर्थ पोर्टल आपकी इसमें बहुत बड़ी मदद करने जा रहा है। इस पोर्टल को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें देखिए कई मंत्रालयों और उनकी योजनाओं की भी इसमें तमाम जानकारियाँ होंगी। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी देश को आज एक और सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी जन समर्थ पोर्टल लॉन्च करने जा रहे हैं। इस पोर्टल की खासियत होगी कि इससे क्रेडिट आधारित सरकारी योजनाएं जुड़ी होंगी जो लाभार्थियों और क्रेडिट दाताओं को सीधा कनेक्ट करेगा। ये अपने आप में पहला प्लेटफॉर्म है। आम आदमी के जीवन को आसान बनाने की कोशिश में जुटी सरकार इसके लिए कई मंत्रालयों और विभागों की योजनाओं के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक कॉमन पोर्टल जन समर्थ शुरू कर रही है। ये पोर्टल उसी सोच से बनाया गया है जिसका मकसद न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन है। इसमें 15 क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाएं शामिल हैं। समय की मांग थी कि सामान्य मानवीय की जिंदगी में से सरकार कम होती चली जाए, सरकार हटती जाए, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। केंद्र की कुछ योजनाओं में कई एजेंसियों की भागीदारी होती है, इसलिए धीरे धीरे इसका विस्तार किया जाएगा, जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना और क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना कई मंत्रालय कर रहे हैं। ये पोर्टल इन योजनाओं को एक मंच पर ले आएगा, इससे लाभार्थी बिना किसी परेशानी यहाँ पहुँच जाएगा। अभी तक इसका पायलट परीक्षण चल रहा था। फिलहाल इस साइट पर 13 योजनाएं उपलब्ध हैं, जिनमें फिलहाल 4 कैटेगरी में ही लोन उपलब्ध हैं। इनमें 125 से ज्यादा लोन देने वाली संस्थाएं शामिल हैं। इनमें एजुकेशन लोन, एग्रीकल्चर लोन, बिजनेस एक्टिविटी और आजीविका के लिए लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। भारतीय स्टेट बैंक समेत अन्य लोन दाता भी इस पोर्टल पर आ सकते हैं। भविष्य में इस पोर्टल से राज्य सरकारें और दूसरे संस्थान भी अपनी योजनाएं शामिल कर सकते हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री एक डिजिटल प्रदर्शनी का भी शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा पीएम 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के खास सिक्के भी जारी करेंगे। इन सिक्कों पर आजादी का अमृत महोत्सव का लोगो होगा, इसे दृष्टिबाधित लोग भी पहचान सकेंगे। खास बात यह है कि ये कार्यक्रम 75 जगह पर एक साथ मनाया जाएगा।
जहां से लोग वर्चुअली इसमें शिरकत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अब कर लेते हैं मौसम की। 47 डिग्री टॉर्चर यहाँ पर मौसम दे रहा है। उत्तर भारत की बात करें तो सूरज लोगों का कड़ा इम्तिहान दे रहा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में सूरज यहाँ पर आग उगल रहा है। दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर पारा 47 डिग्री को छू रहा है। मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ दिनों तक गर्मी का प्रकोप राजधानी में यूं ही जारी रहेगा। और इसी तरह राजस्थान में भी आग उगल रही है और यहाँ पर मौसम। श्रीगंगानगर की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 46 डिग्री से पार जा चुका है। आमतौर पर थोड़ा बहुत ठंडा रहने वाला देहरादून, यहाँ पर भी जो गर्मी है वो रिकॉर्ड तोड़ रही है। यही हाल मध्य प्रदेश के कई शहरों का भी है। यूपी के प्रयागराज और आगरा में भी गर्मी से लोग बेहाल हैं। ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं और आप समझ सकते हैं कि गर्मी ने किस कदर लोगों को परेशान किया हुआ है। देखिए, बात गर्मी की तो हो गई, लेकिन मानसून के इंतज़ार के बीच राजस्थान के दौसा से एक बहुत अच्छी खबर निकल कर सामने आई है। यहाँ पर जिलाधिकारी के नेतृत्व में लोगों ने जल संरक्षण की दिशा में एक शानदार पहल की है। दरअसल दौसा में पुरानी बावड़ियों को साफ करने की मुहिम चलाई जा रही है, जिससे बारिश का जो पानी है यहाँ एकत्रित किया जा सके, जो ज़रूरत पड़ने पर लोगों के काम आ सके। इन बावड़ियों से जो भूजल स्तर है उसमें भी सुधार आएगा। देखिए, जमीन की ओर जाती सीढ़ियों पर जयकारे लगाती महिलाओं का जोश, पहली नजर में आपको लग रहा होगा कि नीचे कोई मंदिर होगा। यही वजह है कि महिलाएं भक्ति में लीन हैं, लेकिन नहीं, ये खुशी के बोल हैं जो बावड़ी के भीतर तक ले आया है। जगह है राजस्थान का दौसा जिला। इनके जज्बे और जुनून के पीछे की कहानी भी सुनिए। पहले इस तस्वीर को देखिए। इस बावड़ी के पास गांव के लोग कोई अवशेष तलाशने नहीं आए हैं, पानी लेने भी नहीं आए हैं, तो फिर कर क्या रहे हैं? ये भी सवाल है, इनका मकसद क्या है? दरअसल ये आए हैं अपनी धरती की कोख को जल से भरने, अपनी विरासत को बचाने। वैसे तो मॉनसून आने में अभी वक्त है, लेकिन दौसा में मॉनसून की दस्तक से पहले खास स्वागत की तैयारी है। बावड़ियां साफ की जा रही हैं ताकि बारिश का पानी यहां पहुंचे, इकट्ठा हो और मुश्किल वक्त में सभी के काम आ जाए। आमतौर पर शासन प्रशासन की उदासीनता से होने वाला जल संकट न केवल लोगों को परेशान करता है बल्कि बदनामी भी कराता है। हालांकि यहां पर मामला उलट है। राजस्थान के दौसा जिले में भूजल संकट से निपटने की ये पहल खुद जिलाधिकारी ने की, दूसरे अधिकारियों को भी उन्होंने लगाया और फिर क्या था, लोगों ने भी कदम बढ़ाया और इस तरह 450 से 500 लोगों का ये हुजूम जल क्रांति में जुट गया। देखिए, जैसा आप सब जानते हैं, दौसा के बीच में पानी की सख्त कमी है। पुराने जल स्रोतों को नहीं, अगर उनका रिस्टोरेशन करेंगे, उनको बचाएंगे और वर्षा जल का पानी अगर बीच में नहीं डालेंगे तो हमारे यहाँ पे आने वाले 10-15 साल में पीने का पानी बिल्कुल नहीं रहेगा। पूरे दौसा के बीच में ये एक प्रयास है कि लोगों को जोड़ के, जैसे आप देख रहे हैं 400-500 लोग हैं यहाँ पे, लोगों को जोड़ के पुराने जल स्रोतों को ठीक किया जाए। इन पुरानी बावड़ियों, जिसे कि उत्तर भारत की कई राज्यों में कुएं के तौर पर भी लोग समझते हैं, उनसे ये थोड़ा अलग होती हैं। ये पूरी तरह से पक्का निर्माण कई सालों का है, जो कि पत्थरों से बना होता है। राजस्थान में इन्हें संरक्षित करने का काम लगातार किया जा रहा है, जिसमें जनता का सहयोग लिया जाता है और उसी की एक तस्वीर ये भी है। इन बावड़ियों की सफाई में लोगों के हाथों से हाथ मिले तो इस मेहनत का नतीजा भी मिला। करीब 8 से 10 ट्रॉलियों के बराबर मिट्टी को बावड़ी से बाहर निकाला गया, जिसकी वजह से बावड़ी की पुरानी रंगत लौट आई है। ये अब और गहरी हो गई है और भरोसा है कि जमीन को भीतर तक भरपूर पानी मिलेगा। बारिश से पहले जरूरी है कि हम जो हमारे परंपरागत जल स्रोत है उनकी सफाई करें, उनको थोड़ा गहरा करें कि ताकि बारिश का पानी ज्यादा ज्यादा स्टोर हो सके। और जैसा आप जानते हैं कि दौसा के अंदर पानी की काफी समस्या है। राजस्थान को मरुधरा भी कहा जाता है, वजह वही पानी की किल्लत।
जमीन से पानी निकालना यहाँ टेढ़ी खीर साबित होता है। ऐसे में बावड़ियों की सफाई की ये मुहिम और जल संरक्षण की कवायद सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि एक सबक है उनके लिए जिनके लिए पानी कीमती है और उनके लिए भी जो पानी की कीमत नहीं समझते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए बढ़ते हैं आगे। चोरी के किस्से तो आपने कई सुने होंगे और देखे भी होंगे, लेकिन जालंधर में हुई चोरी की कहानी लोगों की जुबान पर है, जहां एक चोर ने दिन दहाड़े एक हजाम की दुकान में दस्तक दी और भांगड़ा करते हुए कैश समेत दुकान के मालिक का मोबाइल उड़ा ले गया, जिसकी कारिस्तानी इस सीसीटीवी में कैद हो गई है। देखिए, म्यूजिक है लाउड, गाना है पंजाबी, नींद में नहीं पड़ रही खलर। बीट पर सो रहा स्टाफ है, कुर्सी तोड़ आराम का चौकस इंतजाम है। कोई इन्हें इस खुमारी से न उठा दे, कमर तोड़ थकान का सवाल है। हजाम की दुकान में आया बिन बुलाया मेहमान है, शक्लो सूरत से सादा, सुध लेने आया एक अनजान। दुकान का गल्ला देख चेहरे की रौनक, आंखों के चमक, शरीर में बेजोड़ ऊर्जा का संचार है। मौका मिले न मिले, डांस करने के लिए इनका मन बेकरार है। तस्वीरें जालंधर के दशमेश नगर चांद इलाके में स्थित हजाम की दुकान की है। जींस कमीज पहने दिख रहा ये शातिर चोर है, जो दुकान के स्टाफ की मौजूदगी में दिन दहाड़े चोरी करने पहुंचा है, जिसने गल्ले की सफाई के दौरान न सिर्फ मोबाइल पर हाथ साफ किया बल्कि पंजाबी गाने पर भांगड़ा भी करने लगा। स्टाफ की नींद खुली तो कैश काउंटर पर कैश साफ हो चुका था। चार्ज करने के लिए लगाया गया हजारों का स्मार्टफोन चोर उड़ा ले गया। उसकी खबर मिलते ही दुकानदार ने दस्तक दी, स्टाफ से पूछताछ के दौरान सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो चोरी की कहानी के साथ चोर की मस्ती की तस्वीरें सामने आ गई, जिसके डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। हजाम की दुकान चलाने वाले दुकानदार ने इस चोरी की शिकायत स्थानीय थाने में की है, जहां पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया है कि शातिर चोर पर जल्द शिकंजा कसा जाएगा। जालंधर से परमजीत सिंह रंगपुरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात अब करेंगे राजस्थान के जोधपुर के, जहां पर एक डॉक्टर ग्लांसिंग छवि बनाकर छा गए हैं। 71 साल के डॉक्टर का बाईपास सर्जरी झेलने के बाद भी हौसला बुलंद है और वो इलाज के लिए आने वाले बच्चों के साथ न सिर्फ थिरकते हैं बल्कि उनसे भी डांस करवाते हैं। ये है 71 साल के डांसिंग डॉक्टर। इनका डांस देखकर हैरान हैं लोग। इन्हें देख नाचने लगते हैं मरीज। राजस्थान के जोधपुर के एक शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राज धारीवाल ऐसे डॉक्टर हैं जो इलाज के लिए आने वाले बच्चों के साथ भी डांस करने लगते हैं, बच्चों से भी डांस करवाते हैं। वे दवाई कम और अच्छे खान पान के साथ योग, प्राणायाम और डांस करने की हिदायत देते हैं। माता पिता ये कहते हैं कि बच्चा हमेशा एक्टिव होना चाहिए। कई बच्चों की हाइट भी बहुत कम होती है, शुरू से अगर माँ बाप कम तो योगा हाइट कैसे बढ़ाते हैं वैसे उनको एक्सरसाइज सिखा देते हैं। अगर वो रोज करते रहते हैं नियमित रूप से तो इनके बच्चे लंबे भी होते हैं और आगे बुढ़ापा भी बहुत मुश्किल से आता है। डायबिटीज, अस्थमा और बाईपास सर्जरी के बाद भी डॉक्टर का डांसिंग का जज्बा कम नहीं है। वो मानते हैं कि डांस से व्यक्ति का शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है, व्यक्ति में आत्मविश्वास हो तो वो कुछ भी कर सकता है। मैं नियमित रूप से एक्सरसाइज बहुत सालों से कर रहा हूँ, इससे मेरा अभी भी 71 पे भी आज भी उतना ही एक्टिव हूँ जितना मैं 28 पे था। डॉक्टर धारीवाल बचपन से ही डांस के शौकीन हैं।
पिछले 31 साल से नियमित 4 घंटे योग और प्राणायाम कर रहे हैं। डॉक्टर धारीवाल की पत्नी भी पेशे से डॉक्टर हैं। डॉक्टर धारीवाल के 3 बेटे हैं, सभी IITian हैं। उनके परिवार का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इस उम्र में भी आपने डॉक्टर साहब की जिंदा दिली और जीजी विशा तो देख ली। अब आप बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आगर मालवा के सैकड़ों एकड़ में फैले मोती सागर तालाब में इस वक्त नजारा बहुत मनमोहक हो रखा है। तालाब में गर्मी के मौसम में भी हजारों की मात्रा में कमल के फूल खिल रहे हैं। तालाब कमल के फूलों से पटे पड़े हैं। आप भी निहारिए इस खूबसूरत नजारे को। जहां तक नजर जाए वहां तक सिर्फ कमल के फूल ही फूल। इन दिनों रंग बिरंगे कमल के फूलों से पटा पड़ा है आगर मालवा का मोती सागर तालाब। दूर दूर से लोग इस तालाब को देखने आ रहे हैं, जिसकी वजह है यहां खिली कमल के फूलों की बहार। यहां लाल, गुलाबी और सफेद कमल के फूल हजारों की संख्या में खिले हैं और लोग इन्हें यहाँ खूब निहार रहे हैं। हमारे यहाँ आगर के शान है, मोती सागर तालाब के नाम से फेमस है और यहाँ हजारों की संख्या में कमल उगते हैं, लाल, सफेद सभी, और बड़ा अच्छा दृश्य लगता है। यहाँ हमें पता चला कि यहाँ मोती सागर तालाब में बहुत सारे कमल के फूल खिले हुए हैं, तो हम यहाँ देखने आए। बहुत प्यारे प्यारे, बहुत अनगिनत फूल हैं। मोती सागर तालाब MP का दूसरा सबसे बड़ा स्वनिर्मित तालाब है। तालाब के बीचों बीच एक महल नुमा छतरी है, लेकिन तालाब के चारों तरफ खास तौर पर किनारों पर कमल के फूलों का कब्जा है। अमूमन गर्मियों में इन फूलों की तादाद कम होती है, लेकिन इस बार तालाब में फूलों का बोलबाला है और यही वजह है कि यहाँ इन फूलों को देखने वालों का तांता लगा हुआ है। आगर मालवा से प्रमोद कारपेंटर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे मुंबई की, जहां पर रविवार को मुकेश अंबानी की होने वाली बहू की हौसला अफजाई के लिए मानो पूरा बॉलीवुड उमड़ आया हो। मौका था मुकेश और नीता अंबानी की होने वाली बहू राधिका मर्चेंट की भरतनाट्यम परफॉर्मेंस का। नृत्य शिक्षा पूरी करने के बाद राधिका ने पारंपरिक रूप से होने वाली प्रस्तुति अरंगेत्रम यहाँ पर दी और इसे देखने के लिए और उनका हौसला बढ़ाने के लिए सलमान खान से लेकर आमिर खान तक यहां पर पहुंचे। रणवीर सिंह भी इस मौके पर मौजूद थे। राधिका के पहले ऑन स्टेज सोलो परफॉर्मेंस का समर्थन करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए रविवार को जियो वर्ल्ड सेंटर BKC के ग्रैंड थिएटर में शहर की कई बड़ी हस्तियां मौजूद रही। एक बार फिर से आपका स्वागत है शुभ समाचारों में। देखिए, थिएटर में इस वक्त भले ही बात मेजर विक्रम, सम्राट और पृथ्वीराज की हो रही हो, लेकिन कमाई के मामले में कार्तिक आर्यन की जो फिल्म है यानी भूल भुलैया 2 बॉक्स ऑफिस पर लगातार टिकी हुई है। शानदार कलेक्शन उसका हो रहा है। फिल्म की कमाई सोल विदिन भी लगातार जारी है। माना यह जा रहा है कि फिल्म जल्द ही 150 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी और इस सक्सेस पर क्या कहना है फिल्म के स्टारकास्ट का, आपको सुनवाते हैं, देखिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज हम बात करेंगे गुड न्यूज़ की, क्योंकि गुड न्यूज़ जीवन में बहुत ही कम होती जा रही है। तो एक अच्छी गुड न्यूज़ हमारी इंडस्ट्री के लिए है कि एक और हिट हमारी इंडस्ट्री को मिल गई है एंड वो हिट है भूल भुलैया 2। तो इस वक्त में पूरी टीम मेरे साथ है ये गुड न्यूज़ शेयर करने के लिए। तो आई थिंक ये गुड न्यूज़ से एक हैप्पी फेज है एक आप दोनों के लिए, क्योंकि आपने अपना ब्लड, स्वेट, मनी सब कुछ डाला था फिल्म के लिए। नहीं, एब्सोल्युटली, इसमें जब हमने भूल भुलैया शुरू की थी उस टाइम माहौल ऑब्वियसली प्री पैंडमिक का था और उसके बाद जब पैंडमिक आया और इतनी सारी मुसीबतों से ये फिल्म गुजरी, तो एक स्ट्रेस और एक टेंशन का माहौल था, क्योंकि कितनी फिल्में OTT पर रिलीज़ हो रही थी। तो बहुत बार लोगों ने हमें सजेस्ट किया, ऑपरेटर्स ने भी, प्लेटफॉर्म ने भी बोला, क्योंकि उनको भी अच्छी फिल्म्स चाहिए थी कि हमारे प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ कर दो। लेकिन समवॉट हमारे मन में ये था कि ये फिल्म को हमें थिएटर में ही लाना चाहिए, और कुछ डर था लेकिन कुछ कॉन्फिडेंस भी था। और क्योंकि जिस तरीके की फिल्म बनी थी, हमने कुछ फिल्म जब देखी भी थी, तो वो एक कॉन्फिडेंस डबल हो गया था। तो यस, एक दिल में एक धक-धक तो थी, लेकिन आज लेकिन वी आर वेरी हैप्पी। जिस तरीके की फिल्म को एप्रिसिएशन मिली, उसके टीज़र को, गाने को, ट्रेलर को, तो वहाँ से एक स्टेज सेट हो गया और उसके बाद
जब एक पॉजिटिव स्टेज सेट हो जाता है कि हमें पता चल जाता है दुनिया को ये फिल्म देखनी है जी। उसके बाद तो कार्तिक ने जो इसमें जो भी हंगामा किया है प्रमोशन में, जैसा मैंने पहले भी बोला कि कई बार एक्टर्स रिजर्व होते हैं कि हमें इतनी प्रमोट नहीं करनी, ये प्रमोट नहीं करना, लेकिन ही वेंट ऑल आउट। मतलब हम चार चीज़ बोलते थे तो ये पांचवी चीज़ करने के लिए हो रही है, और ये भी नहीं कि यहाँ जाना है तो इस तरीके से जाना है, या ये नहीं कहीं भी, मतलब इकोनॉमी क्लास में जाना, किसी टाइम फ्लाइट है, बस में भी चले गए, ऑटो में, बस में, कहीं भी, किसी में भी प्रमोशन के लिए ही वांटेड टू कनेक्ट विद हिज फैंस। और जो ऑडियंस जो ट्रेलर को इतना प्यार दे रही थी, टीजर को इतना प्यार दे रही थी, गाने को इतना प्यार दे रही थी, वो इतना हाथ खोल के वेलकम भी कर रही थी एक्टर्स का, क्यारा का, कार्तिक का, और उसने फिल्म को और फायदा दिया। लोग इतने कनेक्ट हो गए कि वी गॉट अ ह्यूज ओपनिंग ऑफ 14 क्रोर्स। कार्तिक, आई थिंक द हाइलाइट्स अगर मैं बात करूं जो देख के, कि आपका मुझे सबसे क्यूट लगा जब वो बंगाली बोलते हैं, एंड दैट डांस यू स्टार्ट डूइंग व्हेन दैट मंजुलिका बन जाते हो जब आप जी, तो जी. कैसा था? बट एक्चुअली वांटेड टू नो, क्लासिकल डांस आपने बड़ा ही बेहतरीन किया, सर ने आपको बहुत डांस करवाया। मैं ये डांस जो है अपना जीने की, और ये बहुत रिहर्सल किया, अच्छा काफी मेहनत की जी। बट थैंक यू सो मच, आई मीन मुझे वो मेरा पर्सनल फेवरेट सीक्वेंस है पूरी फिल्म से वो, क्योंकि कॉमिकल सिचुएशंस तो बहुत हैं, ये सब बहुत है जो भी आप देख रहे हो थ्रू आउट द फिल्म, लेकिन एक वो सीक्वेंस है जहाँ पे ड्रामा बहुत अनवील होता है, बहुत चीज़ें रिवील होती हैं, और जिस तरीके से उस सीक्वेंस को शूट किया गया, जिस तरीके से उसमें चीज़ें बताई जाती हैं, एंड पहली बार मंजुलिका ऑफकोर्स रूहान के अंदर, रू बाबा के अंदर आती है, एंड जो तांडव होता है वो आई थिंक वन ऑफ द हाईलाइट सीक्वेंस था हमारे दिमाग में भी, सबके दिमाग में, एंड उसको अचीव करना एक बहुत बड़ा टास्क था, तो उसके लिए बहुत प्रेप लगी थी। पहली बार मैं क्लासिकल कर रहा था, मैं चिनी सर के साथ उनके अंडर पहली बार काम कर रहा था, जिस तरीके से उन्होंने, उनकी टीम ने पूरी मेहनत लगाई इस गाने में, विद इन अ वीक्स टाइम हमने ये चीज़ को अचीव किया कि चलो अब यहाँ तक पहुँचे हैं एंड वील डू इट। वो अदा और वो जो पूरे चीज़ें हैं उसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट उसमें आए कि वो अदा के लिए तो पहली बार मैं ऐसा कुछ कर रहा था, एंड आई वॉज रियली हैप्पी। तो तांडव भी हो गया, चाहे वो zigzag हो गया टाइटल ट्रैक पे, they've all been appreciated, and I think hats off to the entire team जिन्होंने इसके पीछे back उस पे काम किया और मुझे वहाँ तक लेके गए। जाते आते मेरा आखिरी सवाल ये है व्यूअर्स की तरफ से, भूल भुलैया 3 कब आएगी? अभी आपने छोड़ दिया ऐसे क्वेश्चन मार्क की तरह, कमरे के अंदर क्या होगा, तो अभी तैयारी हो गई है क्या? कमरे के अंदर अभी तो और... 2 ही चल रही है, अभी तो 2 चल रही है, पहले 2 तो खत्म होए, अभी 2 खत्म होएगी तो 3 के बारे में तो सोचेंगे, 100% सोचेंगे। ऑल आई कैन से इट्स अ टाइम टू पार्टी, सो कांग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम, थैंक यू, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ नाइस रॉकिंग पार्टी फ्रॉम टीम भूल भुलैया, थैंक यू, एंड द पार्टी शुड गो ऑन, थैंक यू सो मच एंड टॉकिंग, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो साउथ की जो मूवीज वैभव आ रही थी लगातार 100 करोड़ से ऊपर का कारोबार कर रही थी, एक ब्रेक यहाँ पर थोड़ा बॉलीवुड मूवी में भूल भुलैया 2 ने कार्तिक आर्यन की तरफ से यहाँ पर दिया है, और शायद अब जो आने वाली फिल्में हैं वो भी इस तरीके की अर्निंग करेंगी। फिलहाल अब आपको लिए चलते हैं इसके बाद शिमला, जहाँ पर इस वक्त समर फेस्टिवल चल रहा है। फिलहाल यहाँ पर हुए डॉग शो ने सबको अपनी तरफ खींच लिया। ये पुलिस के ट्रेन डॉग्स हैं जो कि बड़े बड़े काम करते हैं, केस सुलझाने में पुलिस की मदद करते हैं। कैसे अपने ट्रेनर के इशारे पर ये डॉग्स काम कर रहे हैं, इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। शिमला समर फेस्टिवल के दौरान हिमाचल पुलिस ने अपने इन डॉग्स का एक खास शो पेश किया, जिसे देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग जुटे। लोग डॉगी के करतब देखकर हैरान रह गए थे। एक जगह जो कुत्ते थे बकायदा अपने ट्रेनर के साथ परेड भी करते नजर आए। और देखिए शिमला से आयोजित समर फेस्टिवल से एक और शानदार तस्वीर निकलकर सामने आई है। समर फेस्टिवल में सद्भाव और शांति के लिए पुलिस बैंड ने शानदार प्रस्तुति दी और सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। आइए आपको दिखाते हैं कि इसकी थोड़ी झलकियां दिखाते हैं। देखिए भारत भूमि को मिली आकर्षण है,
तो चलिए इस शानदार परफॉर्मेंस के बाद अब बात करते हैं रबड़ की, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे आप जैसे चाहे वैसे मोड़ सकते हैं, वो जैसे चाहे वैसे ढल जाता है। लेकिन क्या आपने किसी इंसान को रबड़ की तरह मुड़ते हुए देखा है? कश्मीर के हैदर उनमें से ही एक है। हैदर को कश्मीर का रबड़ बॉय कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है इन्हें रबड़ बॉय, जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। देखकर हैरानी होती है ना, कोई अपने शरीर को इतना कैसे मोड़ सकता है। लेकिन ये भी सच है कि अगर आप में कुछ करने की चाह हो, जुनून हो, तो क्या नहीं हो सकता। ये साइम हैदर हैं, उत्तरी कश्मीर के सादीपुरा में रहने वाले 23 साल के साइम हैदर कश्मीर में रबड़ बॉय के नाम से मशहूर हैं। इनका ये कमाल जो आप देख रहे हैं, ये एक दिन में ही संभव नहीं हुआ है। हैदर इसके लिए साल 2010 से अभ्यास कर रहे हैं। इनकी चाहत टीवी शो इंडियाज़ गॉट टैलेंट में अपने हुनर से सबका दिल जीतने की है। 180-190 सर भी घुमाता हूँ, और 180 मतलब पैर भी आगे लाता हूँ। फ्लेक्सिबिलिटी के मतलब इम्पॉसिबल मूव है वो भी करता हूँ। सेम हैदर को कश्मीर का रबर बॉय भी कहा जाता है। वो अपनी बॉडी को उस तरीके से मोड़ता है जो कल्पना से भी बाहर है। यहाँ तक कि वो अपने सिर को भी 180 डिग्री घुमा सकता है। ये शौक इन्हें बचपन से नहीं था। 2010 में एक फिक्शन वीडियो देखा जिसमें बाहों के मूवमेंट को दिखाया गया था। इन्होंने भी करने की सोची, हाथ में फ्रैक्चर भी हो गया, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। साइम बताते हैं किस काम में पिता पूरा साथ देते हैं, माँ डरती है कि बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचे। और शानदार तस्वीर के बाद अब आपको दिखाते हैं एक और शानदार तस्वीर। तस्वीर है बाघिन माँ के प्रेम और दुलार की। देखिए कैसे बाघिन माँ अपने शावक पर दुलार बरसा रही है और उसे प्यार कर रही है और उसके साथ हटखेलियां करते हुए नजर आ रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और वक्त हो चला आपके फेवरेट सेगमेंट का, यानी सोशल मीडिया के वो मजेदार और चटपटे वीडियोस जो आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान लाते हैं। छोटी बच्ची हो क्या? ये तुमने कैसे बजाई? ये तो मुझे आती है, माने मुझे सिखाया था, बताओ। छोटी बच्ची हो क्या? अबे क्या हुआ, रो क्यों रही है? मेरे घर वाले मेरे हाथ पीले करना चाहते हैं। अबे ये तो अच्छी बात है। हर बीवी ये चाहती है कि उसका शोहर उस पे मरे, लेकिन जब उसका शोहर उस पे मरता है तो बीवी ये कहती है कि परा जाके मर, और जब वो परा जाके मरता है तो बीवी कहती है हाय मैं मर गई। ये सब क्या है, क्या है? ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे। और इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। फिलहाल शुभ समाचारों में इतना ही, देखते रहिए जीएनटी। नमस्कार।